ये देखिए सभी सस्त और मस्त होंगे। तो यहाँ 5:30 बज गए हैं सुबह के, और मुझे नींद ही 3 बजे आई थी, और 4 बजे पानी भरने के लिए अलार्म लगाया गया था मोटर में, मतलब मोटर से पानी भरने के लिए अलार्म लगाया गया था, तो उसकी वजह से 4 बजे नींद टूट गई। तो तब से मैं जगी हुई हूँ। अभी हस्बैंड के साथ छत पर जा रही हूँ, थोड़ी देर बैठूँगी, फिर चाय पीऊँगी बना करके। हस्बैंड कंबल लेकर के आए थे और कंबल ओढ़ करके बेड पर बैठे हुए, क्योंकि उनको लग रही थी ठंड। 5:30 बजे कितना देर है, तो मौसम इधर ठंडा है, फिर लाइट जला दे। घर में बैठे हुए कंबल ओढ़ के कुछ नहीं दिख रहा, 1 बजे जलाते हैं लाइट। कंबल ओढ़ता क्यों ओढ़े हो, नमाज में बैठे हुए, बारिश हुआ लगता रात में, तो ऐसा लग रहा जैसे ठंडा आ गया एकदम, बहुत ठंडा है मौसम एकदम। बेली फूल बहुत सारा हुआ है, दिख नहीं रहा अंधेरा में, फ्लैश लाइट से दिखाते हैं, खुशबू भी आ रहा है। यहाँ पे मैं सुबह सुबह बना रही थी चाय, जिसमें कि मैं तेज पत्ता, अदरक और हरी इलायची डाली हूँ, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर इसमें कूट करके ऐड की थी, जिससे चाय बहुत अच्छी बनती है। अंधेरा है, हल्का हल्का एंजल हो रहा है, तो इधर से निकलेंगे। आजकल 2-3 दिन से तेज पत्ता डाल के बना रहे चाय, ज्यादा हो गया। सुबह सुबह चिड़िया पहली बार चाय चाहिए, चिड़िया चाय चाहिए। चाय बढ़िया बना है, यहाँ लाइट जला हुआ इसलिए ना बाहर का उतना व्यू उतना नहीं आ रहा है, और देखो आ रहा है व्यू बढ़िया है एकदम। अभी 6:45 हो रहा है, हम लोग चाय पी लिए, क्योंकि यहाँ पे ना ठंडा सा लग रहा है, एकदम ठंडा आ गया है, दुर्गा पूजा वाला फीलिंग नहीं होता जैसे, वैसे सूर्य देवता नहीं निकले, थोड़ा सा निकले तो फिर अंदर फिर बादल काला काला सा होगी, बारिश होगा, ज़्यादा देर नहीं 10-15 मिनट में ही बारिश शुरू हो जाएगा। शुरू हो गई है बारिश झमाझम, देख सकते अच्छे खासा बारिश शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे 4 करेला निकाली हूँ, इसे भर के बनाऊंगी भरवा करेला, तो पहले इसे छील लेती हूँ ऊपर से स्क्रैप करके, और अंदर का जो पल्प है वो निकाल लेती हूँ। यह करेला को मैं अंदर से खाली कर ली हूँ, बाहर से भी स्क्रैप कर ली हूँ, हल्दी नमक मिला के इसके अंदर मैं अच्छे से मसाज कर दूंगी अंदर और बाहर से, और एक बार कम तेल डाल करके सेलो फ्राई करूँगी ढकते हुए, ताकि आधा करेला यहीं पे हमारा पक जाए, उसके बाद बनाऊँगी इसकी स्टफिंग के लिए मसाले। और मसाले कैसे बनाती हूँ मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से हल्दी और नमक हम करेले के अंदर अच्छे से स्प्रेड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, और बाहर से भी। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुकी है, इसमें डालेंगे हम करेला, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे से हम लाल करके चारों तरफ से निकाल लेंगे, फिर बनाएंगे हम इसकी स्टफिंग। इसको खाली तेज आंच पे लाल करके निकाल लेंगे, फिर बाद में भर देंगे ना इसमें मसाला, तो ढकते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पे सत्तू घोले हैं पीने के लिए अपने और हस्बैंड के लिए, ठंडी। और यहाँ पे अदरक लहसुन कूटी हुई हरी मिर्च है, और ये करेले का बाहरी छिलका जो होता है वो है, ये अंदर का पल्प है, और ये 3 प्याज को मैंने चॉप कर लिया हूँ। अब मैं स्टफिंग बनाऊँगी। तो यहाँ ऑयल हो चुका है गर्म, और नो बहुत सारा जीरा गिर गया है इसमें, कोई बात नहीं है, ज़्यादा नहीं है, 1/2 टेबल स्पून के अराउंड होगी ये। तो इसे करती हूँ ब्राउन। तो कढ़ाई में अब मैं
प्याज ऐड करूँगी, उससे पहले अदरक लहसुन और हरी मिर्च ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं अदरक लहसुन हरी मिर्च ऐड करूँगी और प्याज ऐड करूँगी। प्याज ऐड कर दूँगी, इसमें डालूँगी नमक और चिकन सौंफ। थोड़ा सा लाल कर लेते हैं, फिर इसमें करेले का ऐड करूँगी। करेले को मिक्स करके ऐड करूँगी। जो तल का बाहरी कवर है उसको अच्छे से हम भूनेंगे। इसमें मसाले को भी मैं अभी ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैं मसालों में ऐड कर रही हूँ हल्दी, काश्मीरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और चिकन मसाला मैं 1 टेबल स्पून ऐड की हूँ और थोड़ा सा अमचूर भी मैं बाद में डालूँगी। यहाँ पे मैं मसालों को ढक कर के पकाऊँगी। यहाँ पे मैं दाल को सो करके रखी थी तो उसे भी मैं पकने के लिए चढ़ा दे रही हूँ। तो गैस का फ्लेम ऑन की हूँ मैं, बस थोड़ी सी बॉईल आ जाए फिर इसका लिड लगाऊंगी मैं। और यहाँ पर करेला भून रही है तो थोड़ी सी पहले मैं पानी ऐड करूँगी, फिर इसे भूनूंगी मसाले में भी। लो फ्लेम करके अच्छे से पका दूंगी। तो दाल में लौकी ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा बॉईल आने देती है, फिर मैं लिड लगाऊंगी। तो इसे हम अच्छे से और भूनेंगे, पकाएंगे, भी पकी नहीं है। पानी ऐड कर दूंगी, पकी अच्छे से और पक जाए। करेले की जो मसाला है वो लगभग भून चुकी है तो इसे और 2 मिनट तक हम पकाएंगे। करेले की स्टफिंग के लिए जो मसाला था वो अच्छे से भून चुका है, उसे एक प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद फिर स्टफ करके फिर उसे हम सेल्फ फ्राई करेंगे कढ़ाई में डालते हुए, ढकते हुए चारों तरफ से करेले को हम पकाएँ। दाल हो चुकी है और ये भी ठंडी हो चुकी है तो मैं फटाफट से इन करेले में भर लेती हूँ इन मसालों को। एक बड़ा बड़ा करेला था तो इसे 2 टुकड़ों में काट दिए हैं। कोई कोई इसे स्टीम करके ऐसे सरसों का मसाला भरते हैं। करेला का सब्जी खाना कितना दिन से सोच रहे हैं, 2 करेला है ना, सब्जी बना देंगे। रोटी बनाएंगे इसके बाद, काम मेरा खत्म, खाएंगे सो उठ जाएंगे। मसाला कम तो गया? नहीं नहीं ठीक है मसाला। यहाँ पे गर्म हो चुका है, करेले में भी सारी स्टफिंग हो चुकी है तो अब एक एक करके इसमें मैं डालूंगी सारे करेलों को और अच्छा सा इसे हम चारों तरफ से लाल करके पका लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी करेले जो है वो पके हुए हैं, थोड़े से पकाने हैं बस।
और हर दो मिनट पे हमें इसे पलटते रहना है। और फ्लेम को भी हम मीडियम टू लो ही रखेंगे यहाँ पे, और इसे हम ढकेंगे। हर दो मिनट पे हम इसे पलटेंगे चारों तरफ, इसे हमें लाल करना है भून के। यहाँ पर आई है ब्लैंकेट से कुछ सामान, दूध वगैरह ख़त्म हो गई थी, तभी मैं पैकेट खोलती हूँ दिखाती हूँ, फर्स्ट टाइम मंगाई हूँ मैं। के अंदर ठूंगा, ये फुल क्रीम दूध, ये दही, और ये है गाजर, ये कड़ी पत्ते, तो मोटे मोटे बंगाली तोड़ के दिए हैं, सब बंदा बंदा है। ब्लैंकेट से तो सामान मिलता है, इसको धो के रखना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पे करेला हो चुका है, अच्छे से ब्राउन हो चुकी है करेला, अच्छे से सब तरफ से। तो ये चावल के साथ भी अच्छा लगेगा, और रोटी पराठा पूरी सभी के साथ। बन रहा है चीला, तो एक कप सूजी, हाफ कप दही, हरी मिर्च, करी पत्ता को डाल के पानी डाल के मिक्स करके 10 मिनट के लिए सूख होने के लिए रखेंगे। फिर उसमें प्याज वगैरह ऐड करूँगी, पहले से मिक्स करके रखती हूँ। अब इसे मिक्स करके ढक के छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर करेला हमारा बन चुका है। यहाँ पर मैं तड़का लगा दी हूँ, सरसों का तेल ली थी उसमें सरसों, जीरा, करी पत्ता डाली थी उसमें मैं, और अच्छा से एक तड़का लगा दी हूँ इस चीले में। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी, स्वाद अनुसार नमक भी ऐड की हूँ। मिक्स करके और 5 मिनट छोड़ दूँगी, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी इससे छिलका या चीला जो भी बोल सकते हैं। मैं रोटी वाले तवे पर लगा दी हूँ ऑयल, आप कोई भी ऑयल, बटर, घी कुछ भी लगा सकते हैं, तो मैं मस्टर्ड ऑयल लगाई हूँ यहाँ पर। और बैटर को जब भी आप तवे पे स्प्रेड करें तो सबसे पहले एक बार मिक्स कर लें, क्योंकि सूजी और जो वेजिटेबल्स है वो नीचे बैठ जाती है। तो जितनी बार भी आप चीला बनाएं उसे आप अच्छे से मिक्स कर लें पहले, और 2-3 टेबल स्पून इस तरह से जो सर्विंग स्पून होती है छोटी वाली उससे आप डालें, अच्छे से स्प्रेड करें। चीला स्प्रेड करने के बाद इस पर हम चारों तरफ से थोड़ी सी ऑयल डाल देंगे, जिससे कि चीला अच्छे से आसानी से निकल जाए। और दोनों तरफ से हम 2-2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे इसे। इसे बन करके रेडी है, तो आप दोनों तरफ से इसी तरह से पका लें। यहाँ पर मैं चावल चढ़ा दी हूँ बनने के लिए, चावल भी हो जाएगी थोड़ी देर में। और नाश्ता सभी कर चुके हैं, बर्तन वगैरह मैं सब कुछ साफ़ कर ली हूँ। दाल में तड़का भी मैं लगा दी थी, जो लौकी वाली दाल बनाई थी, यहाँ रात की भिंडी फ्राई है, और इसमें रोटियाँ बना करके रखी हूँ, और नीचे ये मैं भरवा करेले जो थे वो बना करके रखी हूँ। अब हस्बैंड लोगों को मैं नाश्ता करा दी हूँ, अब मैं चावल बना लूँगी तो फिर टिफिन पैक करके उनको दे दूँगी। भिंडी फ्राई रात वाली, करेला बर्फी और रोटी, और हस्बैंड लोग चीला वगैरह खाए थे तो मैं थोड़ी सी कम बैठ रही थी तो छोटी सी चीला बनाई थी तो मैं वही खा रही थी। खाने के बाद हस्बैंड को मैं लंच पैक करके दे दूँगी, और वो अभी गाना बजा रहे हैं। यहाँ पे मैं दोपहर तक की वीडियो ही अपलोड की, मतलब की हूँ 11 बजे तक की, और शाम की वीडियो मैं देखूँगी, रात में अपलोड कर दूँगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन गई थी क्योंकि मैं सुबह से ही बना रही थी, इस वजह से करीबन 35 मिनट की वीडियो थी। तो नेक्स्ट वीडियो मैं देखूँगी थोड़ी देर में, 1-2 घंटे में अपलोड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।